3 साल की उम्र से शुरू हो गई थी और ईश्वर कृपा रही, सौभाग्य रहा कि जो मेरी मेरे को मेरे माता पिता के रूप में ही मुझे अपने गुरु मिले। तो मेरे पिता गुरु रवि जैन जी, जो पंडित शंभू महाराज जी के शिष्य थे लखनऊ घराना, और साथ ही साथ अलकनंदा देवी जी बनारस घराना, सितारा जी की बड़ी बहन, उनसे मेरे फादर की तालीम रही और साथ ही साथ मेरी तालीम मेरी माँ से भी रही। गुरु नलिनी मल्होत्रा जैन, जो पंडित सुंदर प्रसाद जी और पंडित कुंदन लाल गंगानी जी जयपुर घराना, उनसे मेरी माँ की तालीम रही। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरी मदर ने कथक से पहले उड़ीसी भी सीखा था और उन्होंने गुरु केलुचरण महापात्रा जी से उड़ीसी में तालीम ली थी। तो जो इसीलिए जो हमारा जो रेपर्टवार बना कथक का, वो लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना तीनों का रहा। तो इस वजह से क्या हुआ कि तीनों घराने का जब हम परफॉर्मेंस करते हैं तो प्रयास रहता है कि तीनों घरानों की चीज़ें हम उसमें उसका समन्वय अपने दर्शकों के सामने रख सकें। आई थिंक आई वॉज 3, ऐसा माँ बताती हैं कि 3 साल की उम्र में उनको उन्होंने हमको स्टेज पे भेज दिया था। तो जितना उन्होंने हमको सिखाया था उसमें आधा याद था आधा याद नहीं था, और जो याद था वो करके आ गए। तो एग्जैक्टली तो पता नहीं क्या हुआ था, बट लोग तालियां बजा रहे थे, लोग खुश हो रहे थे, और इसी तरह का हमें जो एक बड़ी मासूम सी जो खुशी होती है वो उस टाइम पे मुझे बस इतना ही याद है कि बहुत खुश थे और बहुत अच्छा लग रहा था हमको। तो आई थिंक जो एक जो अपने डांस के लिए जो प्यार था, एक जो नृत्य के लिए एक कहते ना अपार प्यार होना, वो उसका जो बीज था वो उसी टाइम डाल दिया गया और उसी को मैं आज भी फॉलो करती रहती हूँ, उस प्यार को। तो जहाँ तक तालीम की बात है, शिवेंद्र जी हमारा, मैं और मेरी बड़ी बहन राधिका, वो MBA हैं और HR ट्रेनर हैं, और लेकिन हम दोनों की तालीम डांस में बचपन से रहती थी। तो हमारा बकायदा माँ टाइम टेबल बनाती थी जहाँ पर हमारा टाइम होता था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे हम खेल रहे हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा डांस का सीखने का टाइम है। हर रोज़ इस तरह से हम लोग हमारी ट्रेनिंग देती थी। तो एक वो जो मुझे याद है कि जैसे अगर दो मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे का हमारा टाइम होता था जहाँ पर हम लोग डांस सीख रहे हैं कर रहे हैं, और वो 2-3 घंटे कब कहाँ जाते थे हमें नहीं पता होता था। 2-3 घंटे जब तालीम सीख रहे हैं, जब डांस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता होता था कि 5 से 8 के टाइम पे दुनिया में क्या हो रहा होता था, कुछ अंदाज़ा नहीं था। तो इस तरह से विग्रस ट्रेनिंग हमारी चलती रहती थी। और ऐसा मानते हैं कि देखिए नृत्य गायन और वादन और ये सब जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, इसमें तालीम ना 2-3 घंटे की नहीं होती है, ये तालीम ऐसी है कि ये 24 घंटे की तालीम होती है। तो एक कह लीजिए एक सौभाग्य ये था कि जब हमारा जो घर का माहौल था वो हमेशा से सुरमय तालमय रहा, तो हमारी तालीम एक तो कॉन्शियसली होती थी, जो जैसा मैंने बताया 2-3 घंटे रोज़ होता था। एक तालीम होती थी जो अनकॉन्शियसली हर समय चलती रहती थी, लाइक एज चिल्ड्रन आई रिमेंबर दैट हम लोग जब सुबह उठते थे तो हम अपने पेरेंट्स को रियाज करते हुए देखते थे, और जब शाम को हम लोग अपना स्कूल ख़त्म करके आ रहे होते थे तो माई पेरेंट्स पर अगेन प्रैक्टिसिंग, और दे वर कोरियोग्राफिंग समथिंग, कुछ कोरियोग्राफी कर रहे होते थे या कुछ किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे होते थे। तो मुझे याद है कि जैसे जब हमारे पेरेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो मैं और मेरी बहन का काम होता था ताल लगाते जाना, कोई लहरा नहीं बज रहा है और हम ताल दे रहे हैं और वो उसके ऊपर अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फिर सेम चीज़ हम करते थे। और कितनी बार मेरे फादर कहते थे कि हमसे बात करती जाओ और ताल देती जाओ, जैसे 3 ताल चल रही है जैसे, तो वो कह रहे हैं कि मुझसे बात करती जाओ और ताल देती जाओ, तो हम कंफ्यूज हो जाते थे कि अब सम आया, अब आया। तो इस तरह से मतलब कहते ना कि एक इस तरह की तालीम जहाँ पर ताल लय
ना सिर्फ दिमाग में बैठे पर वो इस कदर पक्का हो जाए कि वो रगों में खून की जगह ताल ले दौड़ने लगे। तो तालीम एक कॉन्शियसली और एक अनकॉन्शियसली, अच्छे अच्छे गुरुओं को देखना, कलाकारों को देखना, कलाकारों की संगत में रहना, उनसे हर समय सीखते रहना। और मेरे पेरेंट्स कोरियोग्राफ करते रहते थे, कोरियोग्राफी में मैं और मेरी बहन को भी साथ में सम्मिलित करना, उस चीज़ की समझ देना, तो एक 24 घंटे की तालीम रहती थी हमारी। गाने की जो नृत्य की तालीम थी वो तो तीन साल की उम्र से चल ही रही थी, और मेरे ख्याल से हम लोग 6 साल के थे तो मेरे फादर ने बोला कि अब गाना भी सीखना है। तो आई सॉ माई पेरेंट्स, आई मीन माई सिस्टर एंड माई सेल्फ, हम दोनों बड़े कन्फ्यूज से थे। तो माँ बाबा के बीच में कुछ बड़ी सीरियस डिस्कशन चल रही थी कि कब बुलाएं गाने के लिए, ताकि इनका बच्चों का पढ़ाई और डांस और ये सब डिस्टर्ब ना हो। तो बड़ी संगीन डिस्कशन थी, हमको समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है। बट तालीम 6 साल की उम्र से सबसे पहले हमारी शुरू हुई अजीत कुमार मिश्र जी से। तो वो आते थे हमारे घर में, और आई थिंक वी वर वेरी यंग, और गाना सीखना शुरू किया, मतलब जो जो शुद्ध स्वर है कैसे लगाना है, क्या होते हैं शुद्ध स्वर, सारे गामा पाधानी सा इंट्रोडक्शन जो थी, फिर 12 स्वरों का ज्ञान धीरे धीरे करके उन्होंने हमको दिया। इनिशियल एक इंट्रोडक्शन टू म्यूज़िक वो अजीत कुमार मिश्र जी ने हमको करी। धीरे धीरे करके जैसे जैसे डांस करते गए, गाना भी सीखते गए, आई थिंक और 10-12 साल के बाद फिर हमारा सौभाग्य रहा कि हमें गाने की शिक्षा, गाने का सबक पंडित ए महेश्वर राव जी, जो ग्वालियर घराने के से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनसे हमें गाने की तालीम मिली। तो जो ग्रूमिंग थी कि स्वर क्या है, स्वर कैसे लगाना है, कौन सा स्वर की जगह कहाँ पर है, और राग क्या होते हैं, हर राग का चलन क्या होता है, राग पहचाना कैसे जाता है, रागों में बंदिशें इन्यूमरेबल काफ़ी सारी उन्होंने हमको बताई, बड़ा ख्याल क्या है, छोटा ख्याल क्या है, ठुमरी क्या होती है, इस सब चीज़ों की जानकारी हमको हमारे गुरु से मिली, गुरु महेश्वर राव जी से, पंडित महेश्वर राव जी से। और इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मेरे फादर का मानना था कि जो डांसर होता है वो एक कंप्लीट पैकेज होता है, मतलब डांसर को नृत्य के साथ साथ गायन की समझ, जो साज हैं उनकी समझ, इंस्ट्रूमेंट्स की समझ, पेंटिंग की समझ, स्कल्पचर की समझ, ये सब होनी चाहिए। जब हम गाना समझ पाएंगे, उसके स्वर समझ पाएंगे, उसका लिरिक्स समझ पाएंगे, उसका मूड समझ पाएंगे, तभी मेरे ख्याल से उसको अपने नृत्य के माध्यम से व्यक्त कर पाएंगे। और उसके साथ साथ मेरे फादर का एक हिडन उद्देश्य ये था कि वो ही वॉज प्रिपेयरिंग मी फॉर द कथा वाचन परम्परा कथक, जहाँ पर नर्तक जैसे स्वयं गाकर नाचते थे, तो वो मुझे उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जो मुझे इनिशियली पता नहीं था। तो तकरीबन 15 साल की कथक की ट्रेनिंग के बाद 2-3 साल उन्होंने फिर मुझे ये कहना शुरू किया कि जो नाच रही हो ना उसको गाओ, कोई सिंगर नहीं गाएगा, तुम गाने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे करके नाच और गाने को इकट्ठे बैठाने लगे। तो ये था उनका उद्देश्य। जो आपने छोटी सी क्लिपिंग देखी ये है गुरु रवि जैन यूथ फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस की, जो ऑर्गेनाइज हमारी संस्था कलाकुंज करती है। कलाकुंज मेरे माता और पिता ने दोनों ने मिलकर 1980 में बनाई थी, और तब से हम लोग कल्चरल प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं। तो ये जो गुरु रवि जैन यूथ फेस्टिवल है, ये हम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पर हाजिरी के तौर पर मैं एक इनिशियल परफॉर्मेंस देती हूँ, एंड देन वी हैव यंग एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट्स
जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनका परफॉर्मेंसेस कराते हैं और उन्हें गुरु रवि जैन अवार्ड से नवाजते भी हैं। तो ये उसी का क्लिपिंग आपने देखा था, और जो अभी हम इस क्लिपिंग में नाच रहे थे वो है जानकी प्रसाद बनारस घराने का। बहुत खूबसूरत ये रचना जो आपने थोड़ा देखा, ये जानकी प्रसाद बनारस घराने। ये कहना गलत नहीं होगा कि सारे शास्त्रीय नृत्य, जितने भी हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 माने जाते हैं अभी हाल फिलहाल, तो सभी को जो सभी का जन्म मंदिरों से ही हुआ है। लेकिन कथक की जहाँ तक बात करी जाए तो कथावाचन से शुरू हुआ, कथा कहने वालों को कथक कहा जाता था। तो अगर हम बात करें कथक को कैसे, अगर कह लीजिए एक ले मैन के लिए, अगर मैं ले मैन की भाषा में समझाऊँ कि कथक बाकी डांसेस से कैसे अलग है, तो लेमैन की भाषा में ये कह सकते हैं कि कथक हमेशा एक स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाता है। हम लोग बेंड्स नहीं लेते, हम नी बेंड्स नहीं लेते हैं। दूसरा, कथक में डिस्टिंग्विश करने का तरीका यह है कि उसके चक्कर स्पिन्स, जिसे भ्रमरी कहा जाता है, तो कथक ही एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें इतनी सारी भ्रमरी, इतने सारे चक्कर काटे जाते हैं, किसी और डांस फॉर्म में इतने सारे चक्कर हमें देखने को नहीं मिलते। और तीसरा, एक एक्सक्लूसिवली जो हमारा होता है वो है तत्काल पद संचालन, जिसमें सिर्फ हमारा जो कहते हैं ना, तत्काल का मतलब है कि घुंघरुओं के माध्यम से घुंघरुओं को सांस बना लेना, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट रिदम पैटर्न्स अपने घुंघरू से निकालते हैं, अलग अलग तरीके से पद संचालन करके, और घुंघरुओं को सुनाया जाता है, रिदम पैटर्न्स को सुनाया जाता है। तो ये तीन चीज़ें मुख्य तौर पर कथक को बाकी और डांस फॉर्म से अलग करती हैं। और जहाँ तक अभिनय पक्ष है, तो कथक में काफ़ी चीज़ों का समावेश हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम ठुमरी नाच सकते हैं, हम कजरी नाच सकते हैं, हम भजन नाच सकते हैं, हम तराना नाच सकते हैं, हम चतुरंग नाच सकते हैं। तो जो कथक की सूफी आजकल हम लोग करते हैं, तो इस इतना सारा कथावाचन तो इसका मूल आधार है ही। तो ये इतना सारा रेपर्टुआर हमारा जो अभिनय पोषण का है वो काफ़ी ब्रॉडन है कथक का। तो इस तरह से कथक को बाकी डांस फॉर्म से ले मैन की लैंग्वेज में अलग किया जा सकता है। ये जो आप लोगों ने अभी छोटा सा जो इसकी झलकी देखी, ये बिरला मॉडर्न आर्ट गैलरी है हैदराबाद में, तो वहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस रखी थी हमारी, और ये ICCR द्वारा स्पॉन्सर्ड थी, ICCR हैदराबाद द्वारा। तो यहाँ पर जो हम छोटा सा जो आप को आप देख रहे हैं वो एक कथा वाचन कर रहे हैं हम, और उसमें मैं लाइव गा रही हूँ। ट्रैक हमारा रिकॉर्डेड था, लेकिन कथा कह रही थी और कथा गा रही थी और कथा नाच रही थी। तो ये छोटा सा जो पोर्शन आपने देखा, ये नरसिंह अवतार है जो हम वहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे। जब आप रागगिरी की वर्कशॉप्स की बात करते हैं, तो मुझे बहुत प्यारी मीठी मेमोरीज मेरे जहन में आ रही हैं, क्योंकि ईश्वर कृपा से हम बहुत एक्सटेंसिवली परफॉर्म करते रहे, इंडिया में भी बाहर भी जाते रहे काफ़ी ICCR की तरफ से। लेकिन जो सबसे प्यारी ऑडियंस हमको मिली है ना, वो बच्चों की मिली है, क्योंकि वो जो एक इनोसेंस और वो जो प्यार होता है, वो आई थिंक आई रियली इन्जॉय एंड आई रियली चेरिश दैट। रागगिरी की वर्कशॉप्स करने का जो इसीलिए मैं बोलूँगी बड़ा अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि हमारा देखिए मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहा है कि जो हमारा कथक है वो सिर्फ क्लासेस के लिए ना रहे, वो मासेस के लिए रहे, क्योंकि एक्चुअली कथक मासेस के लिए ही था, अब वो धीरे धीरे होते होते क्लासेस के लिए रह गया है। तो वापस जब तक उसको मासेस में ना फैलाया जाए, तब तक कोई मतलब कहते हैं ना, सो कई लोगों का एफर्ट ख़राब हो जाएगा उस चक्कर में सालों का। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उसे मासेस तक पहुंचाया जाए, और रागगिरी ये काम करती है। तो उन बच्चों को कथक
बताना, दिखाना और कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा सिखाना भी, क्योंकि हम वर्कशॉप्स में बच्चों को सिखाते भी हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये होने से जो कहते हैं ना, हमारा इतने सालों की जो मेहनत रही है, इतने सालों की जो हम साधना कर रहे हैं, वो सार्थक होती है। जब मैं उन बच्चों तक हम लोग पहुंच पाते हैं जिन्होंने कथक कभी देखा नहीं, उसके बारे में सुना नहीं, ना कभी जानने की कोशिश की, ना उनको कभी एक्सपोजर मिला, तो जब हमें इस तरह का मौका मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सुनहरा मौका है। और जितने भी कथक डांसर्स हैं, जितने भी डांसर्स हैं फॉर दैट मैटर, क्लासिकल डांसर्स, म्यूजिशियंस और जितने भी लोग हैं, वो परफॉर्मेंसेस भी करें और आम बच्चों तक, एक जनता तक, एक आम जनता तक, एक मासेस तक इसको पहुँचाए। तो हालांकि बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम लोग सुबह पाँच बजे उठकर तैयार होकर कितनी सारी वर्कशॉप्स के लिए, मेरी मदर हमारे साथ रहती हैं अक्सर, और आप सुबह सुबह, मेरे ख्याल में हम 7 बजे की वर्कशॉप होती थी तो आप 6:30 बजे वहाँ पहुँचे होते थे, और हम भी जल्दी जल्दी वहाँ राखेरी में पहुँच कर सारा रेडी होके काम कर रहे होते थे। बट यू नो शिवेंद्र जी, आई हैव थरली इन्जॉयड इट, आई हैव रियली इन्जॉयड दीज वर्कशॉप्स, एंड आई एम रियली You know, I feel, I really cherish those beautiful memories जहाँ पर बच्चे हमें आके कहते थे, दीदी आज हमको आपका डांस बहुत अच्छा लगा। उन्हें नहीं पता कि क्या अच्छा था, क्या क्या तत्कार करी है, क्या किया है, क्या किया, पर उन्हें अच्छा लगा। और साथ ही साथ बच्चों को एक वैल्यू सिस्टम देना, जैसे हम अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में कृष्ण की कथाएँ करते हैं और उसमें हम माखन चोरी लेते हैं, तो बच्चों के साथ में माखन चोरी कर रही होती हूँ तो उसमें माखन चुराना, कैसे दरवाज़ा खोल के चुपके से अंदर घुसना, ये सब करने में बच्चों को भी मज़ा आता है। तो साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों को उनकी रूट्स से, उनकी जड़ों से, हमारे जो कल्चरल रूट्स हैं उनसे वापस जोड़ रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा माध्यम है रागिनी का। कहते हैं ना कि कहीं कथक एक्चुअली, जब मुगल एरा की टाइम की बात करें तो सूफीज़म के जो चक्कर, जो ड्वर्लिंग, जो स्वर्लिंग डर्विशेस होते थे, वो जिस तरह से चक्कर काटते थे, एक्चुअली आई थिंक वही चीज़ हमारे कथक में इम्बाइब करी गई है। तो सूफीज़म कथक से अलहदा नहीं है, फ़र्क नहीं है, इनफैक्ट उसको कथक ने पाहें फैला के उसे भी अपने अंदर लिया है। तो जब हम सूफीज़म आज हम करते हैं तो एक सूफीज़म इसलिए मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता रहा था क्योंकि सूफीज़म में ना, देखिए शब्द जो हैं वो लगता है कि वो श्रृंगार रस के शब्द हैं, लेकिन एक्चुअली वो भक्ति रस है। तो उसमें दो रसों का समावेश इतना खूबसूरत होता है और उसे बरतना कठिन है, क्योंकि जब मैं, अगर मैं श्रृंगार रस में बात करती हूँ तो जो राधा है वो कृष्ण को देखेंगी तो वो थोड़ा सा ब्लश करेंगी, लेकिन जब हम पी को देख रहे हैं या जब हम ईश्वर को अपना पिया मान रहे हैं तो उस नज़र में इबादत और उस नज़र में अलग तरीके का प्यार है, लेकिन वो इबादत के तौर पर प्यार है। तो उसे सूफी कॉम्पोजिशंस मेरे फादर ने कोरियोग्राफ करी थी 2012 में, मैंने पहला अपना नेशनल प्रोग्राम ऑफ डांस किया था, एरी सखी मुरपी अगर आए हम उसमें नाचे हैं। तो उस टाइम वो मुझे बता रहे थे कि इस टाइम अगर हम घूंघट खोल रहे हैं तो आँख किस तरह की होनी चाहिए। तो आई थिंक वो समझ करते 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 बहुत समय बाद आती है। तो सूफीज़म एक तरह का भक्ति रस है और इसका, मुझे इसको करने में बहुत आनंद आता है। अब मैं ज़ोर शोर से कोशिश करती हूँ कि जो कथा वाचन है वो मैं अपने हर परफॉर्मेंस में उसको ज़रूर इंक्लूड करूँ, क्योंकि कथा कहना, कथा गाना और कथा नाचना, कथा वाचन,
ये कह लीजिए जो हमारा कथक है, कथक अगर गंगा मान लीजिए उसको, तो उसकी गंगोत्री कथावाचन है। तो प्रयास ये रहता है कि लाइव स्टेज पे कथा कही जाए, गाई जाए और नाची जाए। हालांकि ये मैं कोशिश 2006 से कर रही हूँ और करते करते अब 2021 हो गया, तो कोशिश है कि ये परंपरा ज़्यादा से ज़्यादा की जाए ताकि आम लोगों तक ये पहुँचे, कथक का ओरिजिनल पैटर्न ऑफ कथावाचन। तो आज भी आप सबके सामने मैं छोटी सी कथावाचन कर रही हूँ। ये नरसिंह अवतार की कथा है, विष्णु के चौथे अवतार की कथा। तो प्रस्तुत है कथावाचन। राक्षस हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वो ना घर के अंदर ना बाहर, ना जमीन ना आसमान, ना शस्त्र ना अस्त्र, ना नर ना जानवर से मारा जा सकता था। अहंकारवश उसने अपनी प्रजा पर खूब अत्याचार ढाने शुरू कर दिए। हरी इच्छा देखी है कि उसी के घर जन्मा नारायण जपने वाला उसका पुत्र भक्त प्रहलाद। प्रहलाद को मरवाने के कई प्रयास किए गए। कभी पहाड़ से नीचे फेंका जाता, कभी अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाया जाता, पर हर बार प्रहलाद बच जाता और अंत में प्रकट होते हैं स्वयं नारायण नरसिंह अवतार के रूप में और करते हैं दुष्ट हिरण्यकश्यप का संहार। होलिका ने ऐसो जुल्म गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। होलिका ने ऐसो जुल्म गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। हिरण्याकश्यप कथावाचन। हालांकि इसके काफी सारे छंद हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। मैं भी नेक्स्ट टाइम मे बी मोर। सो इस तरह से कथावाचन चलता है और हम इसे करते रहना चाहते हैं और लोगों तक, मासेस तक कथावाचन की परंपरा पहुंचाना चाहते हैं।